This call is now being recorded. आज के इस शुभ दिन पे, शुभ अवसर पर आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। और आज का ये जो परिचर्चा है, विचार चर्चा, आप लोग देख ही सकते हैं कि देखने में ये बड़ा सरल और ऐसा लगता है कि ये तो सहज सिद्ध विषय है, इसके विषय में विचार करने वाला क्या है। क्योंकि जो जिन तथ्यों से, जिन बातों से, जिन कार्यों से हम लोग प्रश्न नहीं करते, वो हमें इसीलिए प्रश्न नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो तो सहज सिद्ध हैं, ये मनुष्य का स्वभाव ही है। लेकिन जैसे ही आप उसके विषय में थोड़ी सी भी चर्चा करने लगते हैं तो आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो आज का विषय भी ऐसा ही है कि बहुत सहज और स्वयं सिद्ध लगने वाला, लेकिन जैसे ही उसको छूने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। वो है विचार की अनिवार्यता और अपर्याप्तता की मीमांसा, और विशेष रूप से संस्कृत शास्त्रीय एवं पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के संदर्भ में। और इस सारी परिचर्चा को हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक से पांच भागों में, इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय का लक्ष्य रहेगा वो संस्कृत परंपरा, ज्ञान परंपरा जो है, उसमें विचार को कैसे देखा गया, कैसे समझा गया, कैसे उसको हैंडल करने का तरीका बताया गया, या कैसे उसका प्रशिक्षण है और उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इन सब विषयों पर हम आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने से पूर्व दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। वो ये कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले जो आप एक चित्र देख रहे हैं, स्कल्पचर का चित्र, जो कि ऑगस्टी रोडिन ने बनाया था, जिसका नाम है द थिंकर्स, थिंकर्स स्टैचू इसको कहते हैं। और आप देखें कि वेस्ट को का ये प्रतिनिधित्व स्कल्पचर है कि थिंकिंग मैन, जिसे आप समझते हैं, कहते हैं। और इसका जो बॉडी पोस्चर है, अगर आप उसको देखें तो आप कई तरह के अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इस कल्चर को जो बनाया गया था वो बनाया गया था गेट्स ऑफ हेल के संदर्भ में। तो उस संदर्भ में इस कल्चर को बनाया गया था, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर हुआ थिंकिंग मैन के नाम से। और आप इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसके ऊपर हम चर्चा बाद में भी करेंगे कि इस थिंकिंग मैन के वेस्ट में क्या प्रभाव रहा और किस तरह से इसने आयाम, नए आयाम विचार में प्रस्तुत किए हैं। लेकिन वेस्ट के साथ साथ, क्योंकि आज हमारा ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान जो है वो अपनी परंपरा पर, भारतीय परंपरा पर रहेगा, तो इसलिए मैं थिंकिंग मैन से, वेस्ट से उठ करके जो है अपनी परंपरा की ओर आता हूँ कि हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में तीन चीजें, तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है आचार शास्त्र, जिनका प्रारूप आप जो है वो धर्म शास्त्रों में देखते हैं, चाहे वो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है और अन्य धर्म शास्त्र हैं। दूसरे हैं विचार शास्त्र, जिसका आप परिचय जो है वेदांत में, सांख्य में, बौद्ध में, जैनों में आप प्राप्त करते हैं। और तीसरे हैं व्यवहार शास्त्र, जो कि आप पंचतंत्र, हितोपदेश आदि आदि में प्राप्त करते हैं। इनमें से आज हमारा जो फोकस है वो विचार शास्त्र है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाला आचार और व्यवहार, इन दोनों के बीच में विचार जो है वही कड़ी है जो आचार और व्यवहार दोनों को जोड़ता है। अब इस विचार शास्त्र को समझने से पहले एक दो प्रश्न हम और देख लें, और फिर उसके बाद मैं आज के मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराऊंगा। विचार का जो उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसका उन्मीलन होता है, वो निश्चित रूप से समय और स्थान से जुड़ा हुआ होता है, उस सापेक्ष होता है, समय स्थान के सापेक्ष होता है, चाहे वो वैदिक विचार रहा हो, पौराणिक रहा हो, या जो भी कोई विचार रहे हैं, वो अपने अपने समय और स्थान और परिस्थितियों के अनुकूल उत्पन्न होते रहे हैं,
उद्भूत होते रहते हैं। और नीचे की ओर जब आप देखते हैं तो आप ये भी देख पाते हैं कि विचार का एक प्रशिक्षण पक्ष है और दूसरा है वो सहज विचार। प्रशिक्षण पक्ष का मतलब क्या है कि जैसे आप व्याकरण है, दर्शन है, इसके विषय में न्याय शास्त्र है, इसका आप प्रशिक्षण लेते हैं और फिर कुछ चीजों को सिद्ध करते हैं और आप उसको कहते हैं कि ये हमने विचार का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब इस दृष्टि से जो भी मैं करूंगा वो वैचारिक कर्म कहलाएगा। दूसरा सहज विचार है जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया लेकिन उनके विचार को हम मान्यता देते हैं, जैसे कि बहुत सारे संतों की भक्तों की बातें हैं जिन्होंने जो अपने आप को कहते रहे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ रहे, और आज सारे पढ़े लिखे उन अनपढ़ के जो वक्तव्य हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, उनके विचारों को पढ़ रहे हैं। तो विचार प्रशिक्षण और सहज विचार, इसके अंतर को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विचार की भ्रामकता यहाँ तो नहीं कहीं होती या यहीं पे कहीं विचार के बिंदु निहित हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि विचार के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो विचार जो है उसका मूल केंद्र किस लिए है, ज्ञान है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ज्ञान में हम उसको उसके साथ जोड़ करके देखते हैं कि विचार का मतलब है कि ज्ञान किस से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप विचार की बात करते हैं तो साथ ही साथ आपको भाषा का स्तर भी चाहिए। अगर विचार आपके सूक्ष्म है तो आपको सूक्ष्म भाषा चाहिए, अगर आपको बहुत स्थूल आपका विचार है तो आपको स्थूल भाषा से काम चल जाएगा। लेकिन भाषा के साथ जहां आएगी तो साथ ही साथ आपका भाव भी आएगा। तो इन तीनों का जो त्रिपुटी है, तीनों का जो समन्वय है, अगर वो तो उचित है फिर तो आपके विचार में अग्रसरता होने के बड़े साधन हैं, बहुत उसमें संभावनाएं हैं। और अगर इनमें सामंजस्य नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या स्थिति होगी। जैसे कि आम भाषा में कहा भी जाता है कि विचार भूतों की तरह होते हैं कि एक बार चिपक गए तो या तो वो आपको उन्माद की अवस्था में ले जाएंगे, नहीं तो वो आपको अवसाद में ले जाएंगे। तो इसलिए विचार जो है उसके ऊपर सिद्धता हासिल करना या उससे मुक्त होना और उसको अपने अधीन रखना, ये बड़ा एक आवश्यक तत्व है, बहुत आवश्यकता है, बल्कि अनिवार्यता ही इसको आप कहें, विचार के साथ आपके संबंध का। अब तीसरे पक्ष की ओर भी हम ध्यान दे दें कि विचार के साथ जो अन्य शब्द हमें मिलते हैं वो क्या मिलती है, सोच। इस सोच शब्द को हिंदी और उर्दू में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है कि साकी तू सागर थाम, मैं किसी सोच में हूं। और इसी तरह ख्याल शब्द जो है उर्दू में और ख्याल गायकी में, क्लासिकल म्यूजिक में ख्याल शब्द का बड़ा प्रयोग होता है जो विचार के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि थिंकिंग, अंग्रेजी में थॉट और थिंकिंग और आइडिया, ये तीन शब्द भी इसके साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास संस्कृत परंपरा में विचार शब्द और उधर हमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ये पांच शब्द मिलते हैं पर्यायवाची के रूप में। क्योंकि सभी का हम प्रयोग करते हैं आम भाषा में, इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि विचार का वस्तुतः रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके तत्व क्या है आदि आदि। बात को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता और बहुत जल्दी से मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक दो बातें अभी और सांझी करनी। आज के युग में 21वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं ये चित्र 21वीं शताब्दी का है, जहां अनेक अनेक प्रकार के विचारों से आदमी बोझ तले दबा हुआ है, हर तरह का बोझ उस पर, इकोनॉमिक थिंकिंग का, पॉलिटिकल थिंकिंग का, सोशल थिंकिंग का, पर्सनल थिंकिंग का, फ्रीडम की थिंकिंग का, कॉन्स्टिट्यूशन की थिंकिंग, आप दुनिया भर का जो भार है वो अपने सिर पर आपने लाद रखा है 21वीं शताब्दी के आपने। तो इस तरह के जो विचार हैं उन विचारों को आप सात्विक, राजसिक और तामसिक कह सकते हैं, हम विभाजन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कब कौन सा विचार सात्विक हो जाएगा, कौन सा राजसिक हो जाएगा, कौन सा तामसिक हो जाएगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां, समय और स्थान के अनुकूल वो परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ एक प्रश्न जो मैंने पहले भी साझे किए थे उनको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि एक भूमिका के रूप में हमारे पास बात स्पष्ट रहे, और अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम फिर लेंगे।
सबसे पहला प्रश्न जो है कि कैन यू स्टॉप थिंकिंग व्हेन यू डू नॉट वांट टू थिंक, क्या आप विचार को रोक सकते हैं जब आप नहीं चाहते कि मैं विचार करूं। ये बात निश्चित है कि मैं और विचार एक चीज नहीं है। मेरे पास विचार करने का अधिकार है, लेकिन क्या मेरे पास वो अधिकार में एम्पावरमेंट है, मेरे अधिकार में सक्षमता है कि मैं जब चाहूं तब विचार करूं और जब ना चाहूं तो विचार ना करूं। तो मेरे में अगर वो कमांडमेंट है तो मैं विचार करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा, नहीं तो विचार मुझे घसीट के ले चलेगा। तो दूसरा प्रश्न जो है, सवाल है, डू यू रियली थिंक दैट यू थिंक। हम लोग, जैसा कि ये शुरू में ही मैंने ये बात कही थी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि विचार के विषय में विचार करने जैसा क्या, क्योंकि वो तो सहज रूप में ही मनुष्य के साथ चले आते हैं, मनोर्भव कहते भी हैं और मननात मनुष्य की बात भी करते हैं, लेकिन क्या सचमुच मनन जो है वो विचार का पर्यायवाची हो सकता है, या मनन का कोई अपना शेड है, अपना कोई अर्थ अलग है। लेकिन क्या जिसे हम विचार कहते हैं अपने सामान्य व्यवहार में भी और विशेष व्यवहार में भी, हम जिसे विचार करना कहते हैं क्या वो सचमुच वैचारिकता होती है? क्योंकि सामान्य घरों में जैसे सुबह उठते ही पहला सवाल क्या होता है, विचार आरंभ कहाँ से होता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, वो भी विचार है कि आज आप क्या खाएंगे, कैसे बनाएंगे, दिन भर क्या करेंगे, ये भी विचार है, और ब्रह्म विचार वो भी विचार है। लेकिन उस विचार को करने का तरीका वस्तुतः उसको विचार की कैटेगरी में लाता है कि नहीं लाता। फिर इज योर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट एनफ टू कम्युनिकेट योर होल थॉट, कि आपका विचार को अभिव्यक्त करने के लिए आपकी भाषा पर्याप्त है या उसमें गड़बड़ है। जैसा कि हम आज के मीडिया में, संसद भवन में जब विचार विमर्श के नाम पे जो कुछ किया जाता है उससे आप अनुमान कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, डू यू नो द फॉर्म एसेंस लेवल एंड डायमेंशंस ऑफ योर ओन थॉट, आप अपने विचार के आयामों से परिचित हैं, उसके स्तरीकरण से परिचित हैं, उसके सार से भी परिचित हैं कि नहीं है, उसके विषय में आप कैसे विचार करते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न जो है कि क्या आपने विचार करने का कोई तरीका ढूंढा है, आपके पास प्रक्रिया है विचार करने की, या आपने मान लिया कि मुझे विचार करना आता है और सेल्फ सर्टिफाइड थिंकर आपने अपने आप को घोषित कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे हमें शिक्षित होने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है सरकार की ओर से कि हम एमए पीएचडी अब हो गए हैं, और हमें मान लिया जाता है कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं, तो क्या उसी तरह से आपने कोई विचार करने का प्रशिक्षण लिया है या नहीं लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, लेकिन मैं केवल भूमिका के रूप में ये सारे प्रश्न आप लोगों के साथ सांझे किए हैं। तो कई थोड़ा सा ये आजकल, क्योंकि थॉट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, तो चार तरह के विचार होते हैं मुख्य रूप से, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ठीक है ना, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहेंगे, नेसेसरी थॉट्स हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस क्या है। तीसरी तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं जो राइटियसनेस इन ऑस्पिशियस या इविल, जो बुरे विचार हैं, और पॉजिटिव थॉट्स जिसके ऊपर आजकल पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो कि गुड और ऑस्पिशियस के संदर्भ में आते हैं। तो ये भी बात हमको हम ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इन सब बातों को दिशा देने के लिए, हमारी दृष्टि का विस्तार करने के लिए, हमें अपने विचार के संदर्भ में और अधिक सूक्ष्मता की क्षमता प्रदान करने के लिए आज हमने रिसोर्स पर्सन के तौर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर और हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है और उनसे हमने आग्रह किया है कि वो इस विषय में हमारे जो दृष्टि है उसको दिशा दें, उसमें मार्ग निर्देशन दें और हमारे ज्ञान का विस्तार करें। उनके लगभग 45 मिनट के लेक्चर के बाद हमारा ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा, चर्चा रहेगी, जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, उनको लेंगे। और सबसे अंत में डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत डीएवी कॉलेज पे होगा, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारा लगभग कार्यक्रम रहेगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जयपुर से, डॉक्टर सी के झा जी जो कि हेड हैं
पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत मुलाना से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंचल शर्मा हिमाचल से, तथा अन्य सभी लोग जिनके अभी मैं नाम नहीं ले सकता, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे समय पर। तो मैं निवेदन करता हूँ आज के मुख्य वक्ता से कि वो हमारे साथ अपनी बातचीत आरंभ करें। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता अभिनता जानता संगमे। ओम समादरणीय विद्वान बंधुओं, आज इस विजयदशमी के पुण्य पर्व पर हम जो विचार करने बैठे हैं, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि नवरात्र में जो हमारा विचार चिंतन होता है, और वो विचार चिंतन विजयादशमी में विजय में कैसे परिणत हो, हमारा कर्म हमारा ज्ञान उसमें विजय अर्थ है साफल्य सफलता, उस सफलता में कैसे परिणत हो, तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ पर्वों का भी ये क्रम रखा गया है, वो बड़ा सोच समझ के रखा गया है। तो उस पर्व पर मैं समझता हूँ कि आज का ये जो विषय है, इस विषय के ऊपर विचार करने के लिए मुझे आशुतोष ने आग्रह किया, तो थोड़ा सा विचार उसमें करते हैं, क्योंकि ये विचार देखने में बड़ा सरल लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाएंगे तो लगेगा कि बहुत गंभीर प्रश्न है। आज बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, और वो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि ज्ञान क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न है ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। इसे ज्ञान कहें, ज्ञान हमारा केंद्र है, और इस केंद्र को ज्ञान को सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम पश्चिम के विद्वानों को भी बेचैन देखते हैं, यहाँ के लोगों को भी बेचैन देखते हैं। बहुत लिखा जा रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है, प्रकाशित बहुत हो रहा है, प्रचारण प्रसारण सब तरह से हो रहा है। ये कारण क्या है कि क्या ज्ञान वास्तव में हमें उपलब्ध हो रहा है, या वो इस ज्ञान से हम थोड़े एक तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो उस ज्ञान से फिर हम एक नूतन ज्ञान के आविष्कार की कल्पना में चले जाते हैं, कि एक नया ज्ञान जो प्रेजेंट मानवता है, जो वर्तमान मनुष्यता है, उसका अपना एक महत्वपूर्ण समय है, और उस समय में कोई एक नूतन ज्ञान होना चाहिए, और वो ऐसा ज्ञान हो जो पूरी मनुष्यता को किसी तरह से, जो इस समय एक साथ ही संकटग्रस्त हो गई है, ग्लोबल विलेज तो बना लिया हमने, लेकिन ग्लोबल विलेज में एक चित्तता नहीं बन रही है, बाहर की परिस्थितियां एक हो रही हैं, लेकिन चित्त एक नहीं बन रहा है। एक चित्त ना होने से अशांति और क्षोभ बहुत बड़ा है, वो अशांति और क्षोभ का उपचार करने के लिए एक नूतन ज्ञान की खोज जो है वो पिछली शताब्दी में भी चलती रही, भारत में भी उसमें अच्छे अच्छे तत्वचिंतक हुए और दूसरी जगह भी तत्वचिंतक हुए, सभी ज्ञान के विषय में उनका अपना अपना दृष्टिकोण रहा, सभी ने अपनी दृष्टि से उसमें प्रयास किया, और विशेषकर से ये कहना चाहिए कि ज्ञान के क्षेत्र में भी हम लोग एक तरह का कृषि कर्म ही करते हैं। ज्ञान को हम चाहते हैं कि वो आने वाले जनरेशन के मस्तिष्कों के अंदर
वो बीज रूप में किसी तरह से निहित हो जाए ताकि उसमें फिर नए अंकुर फूटे, उसमें से फिर नया ज्ञान, उसमें से नया अनुभव उपजे। तो वो नया अनुभव जो उपजे निश्चयात्मक अनुभव जो है, उसके बगैर व्यक्तित्व जो है वो विखंडित हो जाते हैं। ये निश्चयात्मक जो ज्ञान है वो है, जिसे कहते हैं एक कोटि को संस्कृत में, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रहा है कि वो प्रत्येक वस्तु को पहले ठीक से निर्दुष्ट रूप से वो उसे परिभाषित कर लेना चाहते हैं। तो परिभाषित करने में वो कहते हैं कि अनुभव क्या है, अनुभव तो वो कहते हैं कि अनुभव के माने हैं कि एक कोटिक निश्चय जो है कि हमें एक बात समझ में आ गई पूरी तरह से, ठीक समझ में आ गई, और उसके बाद हमारे में सहजता आ गई। अब उस सहजता के कारण हमारा द्वंद्व और हमारे व्यर्थ का जो संघर्ष है बहुत सारे, वो संघर्षों का समापन हो जाता है। वो लोक कर्तव्य की दृष्टि से ही केवल मात्र कर्म में रुचि है, वो लोक कर्तव्य है, लोक कर्तव्य के प्रति चलना चाहिए, इस दृष्टि से काम करता है आदमी, व्यर्थ के संघर्ष से वो थोड़ा बच जाता है उसमें से। तो ज्ञान जो है वो मूलतः एक केंद्रीय हमारा विषय है आज के संदर्भ में, चाहे पश्चिम है चाहे पूर्व है, वो ये है कि ये ज्ञान, सही ज्ञान क्या है, और ये सही ज्ञान जो है अनुभवात्मक है। तो अनुभव में एक कोटि की निश्चय होता है, हम एक कोटि में पहुंच गया, संशय में हम वह कोटि में फंसे होते हैं कि ये ठीक है कि ये ठीक है, या ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, ऐसा करते थे। लेकिन उसमें हमारा ज्ञान हमें, या हमारे आसपास के जो हमारे अपने लोग हैं उनको वो सुख नहीं दे पाता है, विश्रांति नहीं दे पाता है। तो विश्रामावस्था का मतलब यहाँ आराम या रुक जाना नहीं है, विश्रांति का मतलब यह है कि एक उस ऐसी स्थिति के अंदर जाकर के उसमें अपनी क्रिया में लीन होना, जिस क्रिया के अंदर कहीं विक्षेप नहीं है, विक्षेपहीन स्थिति में, इसी का नाम विचार है। जब हम विक्षेपहीन स्थिति में काम करते हैं तो विचार का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि जैसे हम विचार को थॉट के साथ, क्योंकि बहुत सारे अनुवादों में गड़बड़ाहट हो जाती है और इसलिए ठीक ठीक अनुवाद कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होता है, क्योंकि विचार जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि वो केवल मात्र एक ही देश में हुआ, अन्यत्र देश में नहीं हुआ, वहाँ हुआ वहाँ नहीं हुआ, वो एक सार्वभौम है। सार्वभौम होने के कारण उसका ये महत्व तो इस दृष्टि से बढ़ जाता है कि वो जहाँ जहाँ भी विचार उदय होता है वहाँ वहाँ पर उन जातियों का, उन जातियों के विक्षेप जो है वो नष्ट होता है, विक्षेप शांत होता चला जाता है और उसके अंदर अभ्युदय जो है उसका अनुकूल जो उदय है वो अनुकूल का उदय होना शुरू हो जाता है। तो उसमें वहाँ पर एक सुख का संचार होता है। लेकिन ये जो समस्या आज हमारे सम्मुख खड़ी हुई है, ये समस्या को पारदर्शी ऋषियों की दृष्टि जो थी वो बहुत पहले से उसको वो देखती भी रही है, और उनके अपने समय में भी बहुत कुछ रहा होगा। जैसे डॉक्टर आशुतोष ने अपनी परिचर्चा संक्षिप्त चर्चा में कहा है, हम उस बात को लें, एक यक्ष प्रश्न महाभारत सा जो है, महाभारत का, जिसके अंदर प्रश्न उठा कि धर्मस्य तत्त्वम् किम्, यक्ष का जो प्रश्न है धर्म का तत्व तो क्या है, तो वो युधिष्ठिर उसमें उत्तर देते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि आज की जो वर्तमान मनुष्यता की समस्याएं हैं उससे वो जटिल समस्या है, वो जो प्रश्न उत्तर है वो उत्तर इस बात का प्रतिबिंबन करता है कि आज की समस्या जो है उससे भी वो कहीं जटिल समस्या शायद थी, जहाँ मनुष्य बिल्कुल अनास्था में जा रहा है। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित, कौन सा तर्क है जो जो अप्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा ही नहीं। तर्को प्रतिष्ठानाद करके सूत्रों का भाष्य किया गया कि तर्क को बिल्कुल बाहर निकाल दो,
तो क्या तर्क विचार नहीं है? लेकिन वहां का तर्को प्रतिष्ठा है, श्रुतियों विभिन्न है। नैको मुनि जैसे वचक प्रमाण, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये श्रुतियां भिन्न भिन्न है, सबका अपना अपना वेद है, सबके तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित है, उनके फाउंडेशन वो अपने आधार से जुड़ते नहीं है, वो अपने पक्षपात में चले जाते। निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के सोचने वाला जो है युक्तिहीन विचार हो जाता है, युक्तिहीन विचार ही तो धर्म हानि प्रजायते, युक्तिहीन विचार में चला जाता है आदमी, तो उसमें कहते कि ये तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित है और स्मृतियां जो है वो विभिन्न है। तर्को प्रतिष्ठा पर मुझे एक आधुनिक उसमें विद्वान का स्मरण आता है, जहां उसने वो कहता है कि वो तर्क की व्याख्या इस ढंग से करते हैं कि जब से ये सत्य और असत्य का संघर्ष शुरू हुआ तो तर्क जो है वो हमेशा असत्य के पक्ष में बोलता रहा है, तर्क जो है वो असत्य के पक्ष में बोलता रहा है, और लेकिन जब वो असत्य के पक्ष में बोलते बोलते जब उसे अपने अस्तित्व का चिंता पड़ जाती है तो वो बीच में कभी कभी सत्य बोल लेता है। तो माने ये कि ये जो तर्क है, अगर तर्क को हम विचार मान लें तो ये तर्क जो है ये ज्यादा जो हमारी विद्याएं हैं जिसके अंदर आज जिसे हम वर्तमान शिक्षा शिक्षण पद्धतियां कह रहे हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि बार बार ये देखिए सारी इतनी शिक्षा होने पर भी इतनी करप्शन है, इतनी डिसऑनेस्टी है, इतना उसमें है, सभी संस्थाओं से एक जैसे लोग जो हैं एक क्षुब्ध मन से स्वीकार करते हैं, जो दंड भोगता है वो क्षुब्ध मन से दंड को स्वीकार करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जो अपराधी होता था वो क्षुब्ध मन से नहीं, वो उसको आत्मशोधन की दृष्टि से दंड को स्वीकार करता था कि मैंने गलत किया है तो मुझे उसका धान लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा, तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित इसलिए है कि वो असत्य के पक्ष में भी चला जाता है। नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम, और सभी लोग, एक कोई भी मुनि एक नहीं जिसका वचन कोई सभी लोग प्रमाण माने, सारी दुनिया मान ले कि एक ही उसमें प्रॉफिट हुआ है और वही सारी दुनिया तो चल, ऐसा नहीं मानते लोग। तो फिर कहा कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतस्य पंथा, ये सरल मार्ग बता दिया है कि महाजनो येन गतस्य पंथा। इसमें फिर वो द्वंद्व है कि महाजन कौन है, जिस महाजन शब्द का प्रयोग श्रुतियों में या अन्यत्र कहीं परंपरा में हमें प्राप्त होता नहीं। अब ये महाजन कौन है, इस महाजन की व्याख्या के महाजनो येन गतस्य पंथा, ये क्या सुविधा का मार्ग वो बता रहे हैं कि ये सहूलियत का मार्ग है जहाँ पर संघर्ष नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं है, जैसे परंपरा से चला हुआ है तो यथावत स्थिति जो है उसको स्वीकार करके वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन निहितम गुहायम कह करके इसका जो संकेत दे रहे हैं वो क्या है कि जो गुहा निहित है, गुहा त्रिणी निहितानेंगयंती पुरियम वाचो मनुष्या बदंती, ये वो जो अंतर्निहित जो छिपा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी क्या बनाई जाए, उसके लिए मार्ग क्या खोजा जाए। तो इसमें ये बहुत पुराने परंपरा से अवलोकन करता हूं मैं, तो मुझे विचार शब्द का प्रयोग कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन तंत्र और आगम परंपरा के अंदर, आगमिक परंपरा के अंदर वहां कहा कि विशेष रूप से शाक्त परंपरा के अंदर, त्रिपुरा रहस्य के अंदर वो संकेत किया गया, भगवान दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं विचारस्तु प्रथमं सोपानं भवेत्, विचार जो है वो पहली सीढ़ी है, उस गुहा निहित जो है वो जो आपके व्यक्तित्व का छिपा हुआ जो आलोक है, वो आपका जो भीतर का छिपा हुआ जो आपका अस्तित्व, आपका जो स्व है, उसको उस तक अगर जाना है तो एक ही उसमें विचार है प्रथम सोपानम, उसके लिए विचार ही प्रथम सोपान है, इसीलिए उस विचार के मार्ग से। तो वहां पर दत्तात्रेय जो है वो उसके विचार के स्तवन के साथ साथ
ये सभी देवता लोग जो हैं वो विचार परक हैं, वो विचार करते हैं और विचार ही समस्त शयों का देने वाला है। विचार के बिना मनुष्य योगक्षेम से वंचित हो जाता है। विचार के बिना वो विचार की स्तुति करते करते फिर अविचार का भी वो वर्णन कर देते हैं कि अविचार जो है वो क्या है, कि जो असुर जो है वो अविचार के साथ चलते हैं, अविचार के कारण अमुक आदमी पतित हुआ, ऐसे हुआ, इस ढंग से हुआ। लेकिन एक उसमें बड़ी महत्व की बात जो कही गई है वो कहा गया कि ये जो विचार है, ये जो प्रथम सोपान पर विचार था जिससे आप आगे बढ़ने लगे, जो वशिष्ठ जैसे ग्रंथों के अंदर भी उसके सोपान ज्ञान के विचार के 7 सोपानों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से एक सोपान से आज अग्रसर साधना में अग्रसर होते हुए लोग अपने स्व को प्राप्त करते हैं, कैसे उसमें आत्मदर्शन करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात उसमें भी वो चर्चा आती है। लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं कि भगवती की आराधना से शक्ति की उपासना, ये जो शक्ति उपासना का ही ये परमोत्सव रहा है, वही शक्ति उपासना के माध्यम से वो स्वयं शक्ति जो है भगवती, वो स्वयं ही विचार रूपा होकर के उसके चिदाकाश में उदित होती है। ये बात मुझे बहुत मार्मिक लगी और बड़ी ग्राहक उसमें ग्राह्य लगी इस दृष्टि से, जो प्रथम सोपान पर विचार के रूप में उदय हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि ये विचार क्या, ये थॉट है, जिस विचार को वो कहता है कि ये विचार ही तुम्हारा जो मूल है, जहाँ से तुम चले थे यात्रा, विचार जो है वही ट्रांसफॉर्म होकर के अल्टीमेटली शक्ति के रूप में वही जाकर के तुम्हारा आत्म साक्षात्कार बनता है, वही आत्म साक्षात्कार में परिणत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भारतीय परंपरा में जब विचार की बात आई तो तंत्र और आगम में विचार को तर्क भी कहा, कश्मीर शैविज्म ने तर्क कहा, और तर्क को वहाँ पर उस अर्थ में तर्क को नहीं लिया, अब प्रतिष्ठित रूप में नहीं, वहाँ तर्क को योगांगमत्तम, उन्होंने तर्क को विचार के अर्थ में लिया कि वो योगांग, योग का उत्तम अंग है तर्क जो है। वहाँ तर्क को वो आर्गुमेंटेटिव वाली बात नहीं लिया है, वहाँ विचारणा है। विचारणा क्या है कि बिना धैर्य के नष्ट हुए आप विक्षेप को शांत करके एक धारा में निरंतर गति से प्रवाहमान। विचार क्या है उसमें, वो चरत चलते जाना, रुकना नहीं है कहीं पर भी, मास्वप्त जागृत, मास्वप्त निरंतर जागरण की प्रक्रिया है। इसलिए विचार को विकल्प के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हम थॉट्स जो हमारे हैं उनको शांत करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि विकल्प जो है वो स्वप्न सदृश, स्वप्न में भी विकल्प, क्योंकि मन के अगर हम आधार पर चलें तो मन के अंदर उठने वाले मनोमात्र जन्य धर्म, मनोमात्र से पैदा होने वाले जो विकल्प हैं, ये विकल्प जो है हमें नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स इस तरह से चलते हैं, लेकिन विचार जो है वो एक निरंतर नदी की तरह प्रवाहित होता है, वो एक दिशा को लेकर के उसको पता है, वो बिना अपनी सिद्धता में पहुंचे बगैर रुकता ही नहीं है। इसलिए वहां पर वो विचार करता है तो विचार में उसमें आगमिक परंपरा के अंदर वो विचार करते कहते हैं कि ये सुख क्या है और दुख क्या है, और इस पर विचार करके देखते हैं। तो विचार करके देखा तो उन्होंने कहा कि सुख, अब आम आदमी तो यही कहेगा कि सुख सुख है, दुख दुख है, वो इसको लेते हैं कि नहीं, वास्तव में ये ऐसा इस प्रकार की स्थिति ना हो करके दुख जो है वो जो सामान्य दुख है, साधारण दुख जो है वही सुख कहलाता है। अब ये बात मुझे एकदम उसमें नूतन लगी कि ये दृष्टि जो है कि जो अल्प दुख है, अल्प दुख का नाम ही सुख है। तो आगे उसमें विचार चला कि ये अल्प दुख क्या है, कि भूख का लगना ये क्या सुख है या दुख है। मनुष्य को भूख लगती है, लेकिन वो लगती है, लगना उसका अगर लगेगी नहीं तो हम उसको क्षुधा को बढ़ाने के लिए हम उसको औषधियां देते हैं, ऐसी औषधियां देते हैं कि जिनके कारण उसका रेचक और उसका उसकी क्षुधा जो है वो बढ़े, भूख जो है वो अग्रसर हो, तो
बुकशुदा जो है वो एक स्थिति के अंदर क्या है हमारे लिए जो देखने में कष्टकर लगती है सामान्य रूप से, लेकिन वो क्षुदा जो सामान्य रूप में हमारी है उसी की तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, उससे वही सुख बन जाता है। तो उसमें कहते हैं कि आयुर्वेद के भी जो आचार्य लोग थे वो कहते थे कि अर्ध रोग हरि निद्रा सर्व रोग हरि क्षुदा, ये निद्रा जो है वो आधी बीमारियों को तो नींद ही दूर कर देती है। अब ये निद्रा जो है इसको सुख स्वरूप माना जाए कि दुख स्वरूप माना जाए, ये सुख स्वरूप है, लेकिन जब अनिद्रा में परिणत हो जाती है, जब ये रोग बन जाती है तो उसके अंदर मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सुख जो है सुख और दुख के बीच में द्वंद्व के अंदर अपने को थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि ये सुख जो है वो उस क्या है कि ये सुख का अभाव दुख नहीं है, बल्कि दुख जो है वही मूलतः जब अल्प रूप में रहता है तो वो सुख बन जाता है और जब बड़े रूप में बढ़ जाता है तो वो दुख बन जाता है, सुख बन दुख बन जाता है। इसलिए इस प्रकार का विचार जब किया तो मुझे लगा कि ये अलग दृष्टि है जिस दृष्टि से वहाँ पर वो भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को समझाने का ये प्रयास किया। तो उसमें अविचार का प्रश्न भी आता है कि ये जो अविचार क्या है, अविचार जो है ये हमारा सारा नेगेटिव थॉट्स, अविचार जो है हमारा ये जिसे वो कहते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, ये वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति जो होती है, ये विकल्प वृत्ति जो है कई बार हमें इसी के कारण हम मिसलीड हो जाते हैं, इसी को हम विचार समझ लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये जो तो उसमें वेदांत ने इस प्रक्रिया को सबसे ज्यादा गंभीरता से जो लिया है। बड़ी ये विचित्र बात है कि मुझे ध्यान नहीं आता कि गीता भगवत गीता के अंदर विचार शब्द का कहीं प्रयोग हुआ है, मेरा ख्याल है कि वहाँ विचार शब्द का प्रयोग ही नहीं है, उसमें ज्ञान शब्द का और दूसरे शब्दों का सांख्य आदि की चर्चा होते हुए भी योग सांख्य और वेदांत शब्द का भी दो बार प्रयोग हो गया गीता में, लेकिन भगवत गीता के अंदर कि विचार उसका मूल है या विचार से ऐसा होगा ऐसा इस प्रकार का मुझे कहीं दृष्टिगत नहीं होता। इससे मुझे लगता है कि ये विचार करने की प्रक्रिया, विचार को जो इस साधन रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में जो स्वीकार किया, ये एक प्रकार का आविष्कार अद्वैत वेदांत का लगता है कि अद्वैत वेदांत ने विचार की प्रक्रिया को, और इसलिए आचार्य शंकर जैसे जो मनीषी थे उन लोगों ने इस बात को भाष्यों के अंदर तो स्वीकार किया, लेकिन भाष्यों के अंदर स्वीकार करने के साथ साथ प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया, लेकिन अपने जो ग्रंथ थे उनके अंदर भी उन्होंने कहा कि ये जो कर्म है चित्तस्य शोधनार्थम, चित्त के शोधन के लिए कर्म की अपेक्षा है, मैं तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि, वस्तु क्या है वो है आपका जो सत्य है, जो ट्रूथ है वो वस्तु सत्यम, वो जो सत्य है वो वस्तु है। तो कर्म जो है वो क्या है, चित्तस्य शुद्ध है कर्म, कर्म का हम आपको इसलिए बता देते हैं कि ये जो चार प्रकार से वो बनाते हैं उसमें अनुबंध चतुष्टय में उसके माध्यम से ये करना चाहिए इस प्रकार से, पहले इतना शुद्ध हो करके आत्मशोधन करके और फिर उसमें विचार की प्रक्रिया आरंभ होती है तब विचार करना चाहिए उसे, तो वो विचार जो है वो अग्रसर होगा उसके अंदर। तो वो वस्तु सिद्धि, वो कहते हैं कि वस्तु सिद्धि कर्म के माध्यम से नहीं होती है, वस्तु सिद्धि जो है वो तो विचार से ही, विचारेणी वस्तु सिद्धि जो विचारेण न तो न किंचित कर्म कोटि भी, वो करोड़ों प्रकार के कर्म करते रहने से वस्तु सिद्धि नहीं होती है। वस्तु सिद्धि का अर्थ यहाँ पर क्या है, वस्तु सिद्धि का अर्थ हम तो कर्म से ही सारा कुछ फल प्राप्त कर रहे हैं, ये फल प्राप्तियां जो हैं हमारी, ये फल प्राप्तियां हमारे भीतर वासनाओं का सृजन करती जाती है, यही विकल्पों को पैदा करती हैं, यही विक्षेपों को पैदा करती हैं। कर्म के माध्यम से वासना शेष रह जाती है, कर्म हो जाता है, वासना शेष रह गई,
विषय विनिवर्तनते निराहार सुदेहि, विषय चले जाते हैं लेकिन पीछे कुछ छोड़ जाते हैं, और वो जो छूटा हुआ पीछे होता है वो हमारा विकल्प बनता है, वो विचार नहीं बनता है, विकल्प बनता है, वासना रूप में विकल्प बनता है, और वो नाना प्रकार से हमें विक्षेप में ले जाता है। तो विक्षेप से बाहर आने की जो प्रक्रिया है, इस विक्षिप्तता के फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से, जो हम देखते हैं डिप्रेशन के माध्यम से, जिसको हम अपने सारी मनोविज्ञान के अंदर कहते हैं, उससे बाहर लाने के लिए हम कैसे प्रयास करते थे, योग के माध्यम से और दूसरी साधनाओं, लेकिन वेदांत ने विचार को ही प्राथमिकता दी कि बिना विचार के ये संभव नहीं है। ज्ञान और कर्म के अंदर भी उन्होंने जब ये बात चर्चा की तो उसके अंदर उन्होंने ये एक द्वंद्व मचा, बीच में आया कि ये मीमांसक कर्म के पक्ष में चले गए और अद्वैत वेदांत जो था वो पूरे का पूरा ज्ञान के पक्ष में चला गया कि हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, और दूसरा जो था मीमांसक जो था वो कर्म के माध्यम से ही, कर्म की ही प्रतिष्ठा में लगे। लेकिन ये दोनों का संघर्ष है, सिद्धांत पैदा हुए कहीं ज्ञान को प्राधान्य किसी ने दिया, किसी ने कर्म को प्राधान्य दिया, फिर बीच में उसमें एक ऐसा समय आता जब ये विचार होते होते विचारों के बीच में समझौता का रास्ता निकलता है। विचार जो है वो निश्चित रूप से संधि, एक समन्वय की ओर, सामरस्य की ओर ले जाता है। विचार जो है क्योंकि विक्षेप मुक्त होता है, इसलिए विक्षेप मुक्त होने के कारण विचार जो है वो एक तरह का वो उसमें संधि की ओर ले जाता है, तो उससे ज्ञान कर्म समुच्चय वाद के भय सृजन हुआ। ऐसे आचार्य जिन लोगों ने भारत में ज्ञान कर्म समुच्चय को भी, समुच्चय को भी दो प्रकार से फिर उसको किया, ये सम समुच्चय और विषम समुच्चय करके, इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है जिसका, जहाँ ज़्यादा विचार करना मैं समझता हूँ अभिप्राय नहीं होगा, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो विचार परंपरा जिसको उसने कहा कि आम आदमी मनुष्य जो है वो योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, जो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो भीतर का शल्य है, जो शंकु है, वो निकल नहीं पाता है विचार के बिना। और ये विचार का उदय कैसे होगा? विचार का उदय होता है श्रद्धा से। महिमना स्तोत्र के अंदर उसमें कहा है कि विद्रुम विचार आए कर्तु श्रद्धा, विद्रुम विचार आए हिमखा, श्रद्धा से रहित जो कर्म है वो सारे के सारे वो अभी बिल्कुल दूषित हो जाते हैं, कष्टकारी हो जाते हैं। और लेकिन जो उस विक्षेप से बाहर मुक्त पुरुष हैं, वो जो लोग विचार करना जानते हैं, वो कभी भी परतंत्र होकर के नहीं सोचते हैं, वो स्वतंत्र होकर के, उनका विचार जो होता है वो स्वतंत्र होता है। इसलिए ये जहाँ एक और संस्कृति परंपरा में विचार का बहुत ही सूक्ष्म अद्वैत वेदांत ने विचार किया और उस विचार को ही मुक्ति का साधन माना, विचार को ही मनुष्य की सारी स्थितियों का समाधान करना चाहा, वहाँ पर संत साहित्य के अंदर भी कबीर जैसे लोग जो थे, बहुत लोग नहीं लेकिन वो आदमी कहते हैं कर्त विचार मन ही मन उपजा, ना कहीं गया ना आया। अरे मैं तो ना कहीं गया ना आया, मैं तो करते करते विचार करना, विचार, अब ये विचार की परंपरा, ये विचार जो है ये समाधि रूप ध्यान धारणा का ही अन्नति हो जाती है एक प्रकार से। इसलिए विचार को उन्होंने अष्टांग योग की बजाय उसके स्थान पर, वो अष्टांग योग आदि का जो साधन है अद्वैत वेदांत के अंदर, उसको उन्होंने महत्व दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बुद्धिगत दोष जो है, इसकी प्रक्रिया आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने स्पष्ट किया, और उन्होंने एक प्रक्रिया स्पष्ट की कि विचार की प्रक्रिया क्या है। वो कहते हैं कि शब्द से आम आदमी को पहले शब्द उस वस्तु का ज्ञान
परिचय जो है परोक्ष परिचय होता है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं होता है, परोक्ष परिचय होता है शब्द से। लेकिन वो परोक्ष परिचय पाकर के उसको उसके अंदर एक असंभावना का उदय होता है। असंभावना का उदय होने से का मतलब क्या है कि उसे संशय होता है, उसका मन होता है कि ये जो मैंने कर रहा हूँ इसमें मैं सफल होऊंगा कि विफल होऊंगा, उसके अंदर एक द्वंद्व का सृजन होता है। तो उस द्वंद्व को हटाने का तरीका क्या है? द्वंद्व को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत जो है वो श्रवण विधि जो है उसका वो रिकमेंड करते हैं कि ये श्रवण से गुरुमुख से आचार्य के पास गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण करने से वो जो संशय है उसकी निराकृति होनी चाहिए। और ये जो संशय है ये संशय भी ये असंभावना शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, ये अन्यत्र नहीं है। लेकिन ये कहते हैं असंभावना क्या है कि संशय का नाम ही जो बलवन निषेध कोटि को संशय है, निषेध कोटि जो संशय है जो ऑलमोस्ट नेगेटिविटी की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आदमी की सोच के अंदर जो विक्षेप पैदा करने वाली चीज है वो क्या है, निषेध कोटिक संशय। ये ऐसा दुर्योधन के पास कृष्ण गए कि तुम हट जाओ इस बात से, इस युद्ध से रुक जाओ, तुम 5 गांव दे दो। लेकिन वो कहते हैं ना तेना भी देवेन हृदय स्थित यथा नियुक्त उसमें तथा करोगी। ये निषेध कोटिक असंभावना, ये पॉसिबिलिटी संभावना ही नहीं है उसके अंदर, इसलिए ये असंभावना का उदय होने पर कहता है विचार शास्त्रम प्रवर्तते। वहां पर मजदूतों लिखते हैं उनका विशेष रूप से कि विचार की परंपरा कहाँ से शुरू होती है कि जब संशय होता है तो विचार शास्त्रम प्रवर्तते शब्दात प्रथम तो परोक्ष ज्ञानम जायते विचार प्रयोजकम। शब्द से जब कोई परोक्ष ज्ञान होता है तो वहां भी शब्द का प्रयोग किया विचार प्रयोजकम, विचार जिसका प्रयोजन है, विचार जिसमें जोड़ा जाएगा वो आवश्यक है। लेकिन फिर असंभावना का जब उदय होगा तो फिर कहते क्या है, विचार शास्त्रम प्रवर्तते, तो विचार शास्त्र का प्रवर्तन होता है। विचार शास्त्र के प्रवर्तन के साथ असंभावना का जैसे धीरे धीरे निकास होता है, ये असंभावना जो है डाउट जो है, अभी प्रमाणों के बारे में डाउट हो जाता है, अरे इनमें क्या रखा है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उनके बारे में संशय, तो वो प्रमाणगत जो संशय है कि इसे पढ़ने से क्या होगा जी, इससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो ये एक विक्षेप चलता है प्रमाणगत। ईश्वर के होने में भी संशय चलता है तो वो भी संशय क्या, प्रमेयगत संशय। तो प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय इन सभी संशयों का निवारण करने के लिए वो कहते हैं कि ये श्रवण विधि से मनन की प्रक्रिया में आओ, और मनन की प्रक्रिया में आने के बाद भी संशय चला भी जाए तो संशय के चले जाने के बाद भी विपरीत भावना जो है विपर्य ज्ञान फिर भी बुद्धि से वो जो मौलिक कर्माशय के वासनाएं वो नहीं जाती हैं, इसलिए उसके लिए निधिध्यासन की शरण में निधिध्यासन करना सीखना चाहिए। उसको दृढ़ता कैसे मिले विचार को, विचार को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, तो विचार की प्रक्रिया को वेदांत ने बहुत सूक्ष्मता के साथ, और ऐसा नहीं कि एक विचार को कि किताब में लिखने के लिए कर दिया, वो करने वो एक वस्तुता है, वो एक फॉलोअप करने की वस्तु है, कि ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ लिया मैंने किताब पढ़ ली तो इससे संशय निवृत्त हो जाएगा। वो ज्ञानी को भी कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ज्ञानी का भी संशय वैसा ही है जैसे मूर्ख का संशय, ज्ञानी को वो ज्ञान का संशय ज्ञान पढ़ के भी ज्यादा संशय में पड़ गया, बल्कि वो किसी पर विश्वास करता ही नहीं, इसलिए वहां पर कहता है ज्ञानी का तो फिर भी निवृत्ति कभी हो जाए संशय से, लेकिन ज्ञानी का संशय तो निकालने बड़ा मुश्किल है, इसलिए वहां पर ये संशय और विपर्यय आदि जो दोष हैं यही हमारे विचार को खंडित करते हैं, विचार को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए संशय को और विचार जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही श्रद्धा का उदय होने लगता है, हमारा भीतर कुछ नम होने लगता है, और जब श्रद्धा का उदय होने लगता है तो विचार को रास्ता मिलना
वो नदी की धारा जो चली, विचार की धारा जो चली, उसके आगे की शिलाएं जो हैं वो रास्ता देने लगती हैं, और रास्ता देते देते वो नदी जो विचार की सागर है वो उस अनंत अपने ही भीतर के शिव के साथ मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है। उसको आचार्य अभिनव कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो कि जो कर्तव्यता है, कि जब तक कर्तव्यता बनी हुई है तब तक विचार जो है वो नहीं ठीक चलता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। स्वं कर्तव्यम किं विकलयन् लोकेश प्रयत्न, वो ये लोग जो है वो प्रयत्न से अपने नहीं कर्तव्य के चल रहे हैं, लेकिन जस्तु प्राप्त अखिल संपूर्ण बोध है, जिसका जिसका अखिल मलदग्ध हो गए हैं और जिसको प्राप्त संपूर्ण बोध है। ये प्राप्त संपूर्ण बोध ये लक्ष्य है शैवों का, कि प्राप्त संपूर्ण बोध है, और उसके लिए वो प्रीत्यम तस्य स्फुरदीयमयम लोक कर्तव्य मात्रम, वो काम जो भी करता है वो कुछ फल प्राप्ति के लिए काम नहीं करता है, वो लोक संग्रह में वापि संपर्शन कर तुम अर्जी, लोक संग्रह के लिए वो काम करता है, उसे कोई लेना देना उसमें लंबा चौड़ा नहीं होता है। इसलिए विचार की जो धारा है उसको बड़ी गंभीरता से हमारे यहाँ के दार्शनिक लोगों ने, विचारक लोगों ने, और ये विचार वो संत साहित्य में आया, सिख साहित्य के अंदर, ग्रंथ साहब के अंदर उसी विचार को जब बात करते हैं तो आओ हम बैठो मिलकर करते हैं, आओ मिल करें विचारा कौन मुवारे, अरे मरने पर रोने धोने की या तारीफ निंदा उसकी करने की, वो आमतौर पर मृत्यु हो जाती है तो जाते हैं लोग कोई तारीफ करने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जरा पर्सनली मेरे को पता है कि वो क्या है, वो नहीं इससे क्या लेना देना तुम्हें, वो जो आदमी चला गया है तो उसके लिए आओ जरा बैठ के विचार करते हैं कि पवन पवन में चला गया और पृथ्वी पृथ्वी में, जल तत्व में चला गया, उसमें चला गया, उसमें चला गया, तो उसमें ये विचार जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलता है। आप वो आपके योग क्षेमों न कल्पताम जिसे कहते हैं, वो आपके योग और क्षेम की तरफ अग्रसर करने वाला विचार है, और इस विचार के लिए हम देखते हैं कि हमने इसको बड़े मुक्त भाव से, उपनिषदों में विचार शब्द शायद कम मिले, कहीं मिले ना मिले, प्राचीन उपनिषदों में, लेकिन उसमें विचार की प्रक्रियाएं, विचार के बीज बहुत मात्रा में उसी प्रकार से ओपननेस जो है, अरे ये तुमने समझा, उसने कहा हाँ मैंने ये समझा भगवान, लेकिन ये समझ में नहीं आया, और उसके अंदर वो समझाने का, समझने का, समझाने का उसी प्रकार से प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दान पुण्य करने से, कर्म करने से चित्त शुद्धि हो जाएगी, लेकिन चित्त का संशय, चित्त का विपर्य, विपरीत भावना, चित्त के जो वो नहीं निकलेगा जब तक विचार शुद्ध नहीं, विचार के मार्ग से नहीं जाओगे तो संशय की निवृत्ति और विक्षेप की निवृत्ति और विपर्य की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए उस विपर्य की निवृत्ति को पाने के लिए तंत्र और आगम के लोगों ने भी यही संकेत किया कि विचार प्रथम सोपानम भवे, विचार ही प्रथम सोपान है, और विचार के मार्ग से जब हम चलते हैं तो वही शक्ति, अब देखें चंडी सप्तशती के अंदर सुरथो नाम राजा भूत, वो सुरथ राजा है और वैश्य, वैश्य क्या मांगता है, वैश्य मांगता है कि मुझे ज्ञान हो जाए, और वैश्य जो है उस मार्ग, उसको भगवती प्रकट होकर के वो उसके अंदर, उसके चिदाकाश के अंदर, हृदयाकाश के अंदर विचार के रूप में ही प्रकट हो जाती हैं, और वो विचार रूप में वो मांगता है कि मुझे वो मुक्त होने के रास्ता, मुझे अपने स्व में जाने का मार्ग मुझे मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वर्तमान स्थिति जो हमारी इस समय है, जिसके अंदर हम लोग निरंतर लगे हुए हैं इन सर्च ऑफ न्यू नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो हमें अमरत्व की ओर ले जाए, ये चाहे कुछ लोग कहें, लेकिन अमरत्व की आकांक्षा मनुष्य के भीतर छिपी हुई है, और लेकिन उस अमरत्व की आकांक्षा को पूर्ण करने का दिशा के अंदर अगर कोई मार्ग जाता है तो ऐसे भारतीय परंपरा के अंदर
वो विचार का मार्ग माना गया है। उस विचार के मार्ग से ही निश्चयस की प्राप्ति, अभ्युदय और निश्चयस दोनों की प्राप्ति होती है। लोक व्यवहार में भी विचार का महत्व, बिना विचार के धर्मशास्त्र क्या करेगा, युक्ति ही ने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते। और जहाँ पर व्यवहार का प्रश्न है, व्यवहार में अगर कुटिलता ही रहेगी तो पिता पुत्र में भी, गुरु शिष्य के अंदर भी, किसी में भी कोई एक ईमानदारी ही नहीं, बेसिक नहीं होगी तो ज्ञान क्या प्राप्त कर लेगा, शिष्य गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त कर लेगा, न गुरु ईमानदार न शिष्य ईमानदार। वो योग वशिष्ठ के अंदर इसी विचार की परंपरा का बहुत एम्फेसिस, बहुत मटीरियल उसमें, बार बार राम को समझाने का प्रयास करते हैं कि अच्छा ज्ञान जो है, तो वो ज्ञान आज की अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ कि विचार का मार्ग जो है ये उस सिद्धता की ओर ले जाता है जो हमारी विचार, भाव, भाषा और हमारा आचार शास्त्र, विचार शास्त्र, व्यवहार शास्त्र, जिनको हम तीन खंड करते हैं, ये तीन लोक बना लिए। तो विचार का एरो जब चलता है तो ये तीनों लोक जो हैं, तीनों पिंड जो हैं, कट के एक ही बात बन जाते हैं और उससे मनुष्य का विक्षेप निवृत्त होगा। और मनुष्यता के विक्षेप की निवृत्ति के लिए हम लोग संस्कृत वाले बार बार ये करते हैं, हर मंत्र के बाद करते हैं, ओम शांति शांति शांति। ये क्यों बार बार ये शांति पाठ करने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें पता है कि मनुष्यता जो है वो बिना शांति के वो क्षोभ में जीती है, क्षुब्ध जीती है। और क्षोभ के अंदर जो है, विकल्पों के अंदर, वो बहुत भयंकर तड़पन है, बहुत बेचैनी है, बहुत सिलेक्शन। इसलिए उसमें विचार की परंपरा अगर मनुष्यता के अंदर उदय हो जाए, लोग सोचने की कला को सीखें, लोग विचारक अगर हो जाएं, तो उनके बहुत सारे द्वंद्वों का लोप हो सकता है, बहुत से रोगों का नाश हो सकता है। वो एक साइकोथेरेपी भी है और मनोविज्ञान का भी वो विषय बन सकता है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मेरा समय हो गया है, तो उसमें मैं अपनी बात को इन शब्दों से समापन करते हुए विजयदशमी के आप सब लोगों के लिए मांगल्य कामना करते हुए अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार शब्द भी कम है, धन्यवाद भी कम ही है, क्योंकि इतने सारे पक्ष आपने हमारे सामने विचार प्रक्रिया के संदर्भ में रख दिए हैं, जिनको अभी समेटने के लिए पुनः विचार हमें करना पड़ेगा, जिसमें से विचार और श्रद्धा का स्वरूप, और विचार से अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति, और प्रेयस से उसका निराकरण, प्रेयस से उसके भिन्नता, और फिर मधुसूदन द्वारा जो विचार प्रक्रिया का आपने बात कही है, वो वाकई हम लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारे पक्ष हैं जिनके ऊपर चर्चा हम लेंगे, कुछ मेरे अपने प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे साथ जुड़े हुए जो साथी हैं, प्रतिभागी हैं, उनके अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासाएं हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। और डॉक्टर सी के झा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, धन्यवाद ज्ञापन आप बाद में करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन आप करेंगे। और इस बीच में डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, अगर जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात हमारे साथ जरूर करें। बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब आपको देखा, प्रणाम स्वीकार करें। आज सर का वारण होने के बहुत आनंद आया, और सर ने बहुत से जो हमारी उलझने थी वो कम कर दी, जो शास्त्रों का गंभीर पक्ष आपने रखा, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमने आज आपका इतना विजयादशमी के दिन इतना मार्मिक भाषण सुना आपका। हमने आपने जो है ये बताया कि जो ज्ञान है उसे परम ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, कि परम ज्ञान जो है हमारे वैदिक दर्शन में था, उस परम ज्ञान को, मोक्ष ज्ञान को या स्वयं के ज्ञान को इन्होंने जो कहा, उसे हम कैसे प्राप्त करें। तो ये आपने बहुत ही स्पष्ट किया कि ज्ञान का जो महत्व है, सर्वम अखिलम कर्मम ज्ञाने परिसमाप्यते, तो गीता की जो घोषणा थी उस बात को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया हमें कि समस्त ज्ञान, समस्त कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं।
ज्ञान जो है वही हमें शांति की ओर ले जाता है, और शांति जो है अंतिम अवस्था है जो आपने ये बताया, तो हमें सुनकर बड़ा आनंद आया और हम चाहते हैं कि ये चर्चा जो आगे चलनी चाहिए और इससे हम इसका मर्म और समझें और ये बड़े ध्यान दे के इसको समझें कि भी इससे ज्ञान का आपने एक नया रूप रखा और नई बातें बताई आपने, तो वो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और आपके हम कृतज्ञ हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी जी। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे और पक्ष हैं, जैनों का पक्ष है, बौद्धों का पक्ष है, मनोविज्ञान का पक्ष है कि वो लोग इसको विज्ञान की दृष्टि से कैसे देखते हैं, मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है विचार का, किस तरह से न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करते हैं, इन सब बातों को धीरे धीरे लेंगे क्योंकि ये विषय बड़ा व्यापक है और ये इतना आसानी से एकदम पकड़ में आने वाला तो है नहीं। तो आज कुछ उसमें नए कुछ मार्ग मिले हैं, नए सूत्र मिले हैं, तो निश्चित रूप से उसको मैं, और मैं निश्चित रूप से आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक जो वक्तव्य है वो आप भी इस पे अवश्य दें, क्योंकि न्याय और बुद्धिज्म और ज्ञान को मिलाकर के ये सारे पक्ष को जो है वो आप भी अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें रखें। जरूर। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो, उदय कुलकर्णी जी और डॉक्टर आनंद गोरिहे जी, पहले मेरा ख्याल है उदय जी। नमस्कार अंगिरस गुरु जी और नमस्कार सभी विद्वानों को। मेरा प्रश्न ये था कि मनन और विचार में मुख्यत्व भेद क्या है, और मौलिक विचार जैसी कोई चीज होती है या विचार हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, उसी में से ही प्रदीप्त होता है। मौलिक विचार जैसी कोई उसकी कुछ व्याख्या है? देखिए, ये जो हम लोग जब मनन की बात करते हैं ना, तो पहले तो मनन को स्पष्ट कर ले हैं, तो मनन से अभिप्राय हम मानते हैं कि उसके अंदर जो प्रमातृत्व है, आप प्रमाता पहले बनते हैं, प्रमातृत्व आप में आता है, आप मन्ता बनते हैं, मंत्र मुनि मान्यम मन्ता बनते हैं आप। मनन करने वाला व्यक्ति जो है वो आप तैयार होगा या वो अग्रसर होने के लिए आपका जो है ना श्रवण से थोड़ा सा संभावना जो थी, असंभावना जो था वो निकल गया, अब आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई है, तो वो पोटेंशियल आपका जो है ना अंतःकरण का पोटेंशियल, वो मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों का ही है ना अंतःकरण, ये तीनों अंतःकरण जो है एकीकृत होकर के एक ही दिशा में एक धारा में चल पड़े। अब वो आपका जो अहम है, पहले क्या था कि अहम जो था वो आपको आपकी बुद्धि को चलने नहीं दे रहा था, बल्कि ऐसा था कि वो कहते हैं कि उसके अंदर की अहंकार जो है वो बुद्धि को अपने अनुसार ढाल लेता है। यहाँ पर क्या हो गया कि अहम जो है वो बुद्धि के अनुसार बुद्धि को प्रमोट करने लगा है। इस बात को वो उल्टबाजी की भाषा में कबीर कहता है, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, ये उल्टा काम हो गया है कि शेर जो है वो गाय को घास खिला रहा है, ऐसी बोली जो थी वो इसको उल्टबाजी कहते थे। तो वो क्या है कि वो अहंकार, जो अहंकार नॉर्मली 99% वो अहंकार ही बुद्धि को चलाता है, आप वैसे ही सोचते हैं जैसा आपको अहंकार को सूट करता है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि का संस्कृत के आचार्यों ने ये थोड़ा सा पक्ष आपको मैं बता दूं, वो ऐसा मान के हम चलते हैं कि ये बुद्धियों का स्वभाव है, भूतार्थ पक्षपातो ही नियम स्वभाव है, राजेंद्र जी उसको उसमें हमारे न्यायिक लोग वाचस्पति जैसे लोग जो हैं वो लोग ऐसा मानते हैं, भूतार्थ पक्षपातो ही, बुद्धि जो है वो सदा सत्य के पक्ष में जाना चाहती है लेकिन अहम उसको सत्य के पक्ष में जाने नहीं देता है। तो इसलिए विचार के माध्यम से बुद्धि को हमने इतना सबल कर दिया कि अहम जो है उसका अनुवर्ती बन गया,
और हम जब अनुवर्ती बन गया तो अब मनन की प्रक्रिया शुरू हो गया। अब आपकी युक्ति जो है वो तर्कसंगत आप बात करने लग गए। आप अगर आपका अहम जो है वो दूसरी तरफ को है तो आप बात करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, तो वो दूसरे लोगों को जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे अहम लिप्त है। अगर अहम जो है वो आपका उसमें उसका अनुकारी बन गया, बुद्धि का अनुकारी बन गया, तो उसके अंदर कर्त विचार मन ही मनो के जा, ये मनन कर्त विचार, विचार करना क्या था, ये मननम, यही मनन है। तो मैं कहता कहीं मैं नहीं भागा गया कहीं, वो कहता है मैंने तो विचार करते करते मुझे उदय हो गया मेरे भीतर। आचार्य शंकर कहते हैं बिना विचार और कोई साधन है ही नहीं है, विचार ही एकमात्र साधन, और भगवती भी विचार रूपा होकर के ही अंदर उदय होती है। इसलिए वहां पर आपका जो अंतःकरण है वो इंटीग्रेट होके क्या हुआ उसके अंदर, कि वो जो तर्क था आपका, युक्ति पक्ष जो आपका बुद्धि पक्ष था, बुद्धि पक्ष जो है वो बोध के अनुकूल होता, उसी तरह बढ़ता चला गया धीरे धीरे, क्योंकि अब उसे पीछे जो मन है वो भी उसके पीछे लग गया और अहंकार जो है वो भी उसी में इंटीग्रेट हो गया। तो ये जो आपकी चेतना है इसका नाम मनन है। जब चारों तीनों का एक संग्रह हो जाता है, तीनों सम्मिलित रूप में एक पक्ष की ओर एक धारा में चलते हैं, समझ में, मैं समझता हूं कि बात स्पष्ट हुई नहीं। जी गुरु जी जी, इसके बाद डॉक्टर आनंद गुरे जी और उसके बाद डॉक्टर गौरव आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद जी प्रणाम, बहुत ही सुंदर विवेचन। यहाँ पे मैं टाइटल की तरफ देखना चाहूंगा, विचार की अनिवार्यता इज ट्रांसलेटेड एज क्रिटिक ऑफ इनडिस्पेंसिबिलिटी एंड इनसफिशिएंसी ऑफ थॉट। सो इससे ऐसा लगता है कि विचार के लिए पर्यायवाची शब्द थॉट ऐसा माना गया है, वेर एज आई बिलीव दैट विचार इज फिजियो सेरिब्रल, वेर एज थॉट इज अ सेरिब्रल कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ जो विचारिया है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, वो हनुमान है जो सब तरह की शक्ति, अभी शास्त्री जी ने भी जो बोला कि बुद्धि और शक्ति इकट्ठा जाती है, रिद्धि सिद्धि इकट्ठा जाती है। सो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज मोर टुवर्ड्स थॉट, थिंकिंग, सेरिब्रल, एंड अवर कॉन्सेप्ट इज मच मोर वाइडर इन टर्म्स ऑफ फिजियो सेरिब्रल, शक्ति और बुद्धि के साथ। And I'll also want to point out that the person who is shown as a thinking man, who is sitting, he has got impeccable muscles in his thighs and stomach. So he is an extremely physical person. Whereas today, when we say about a thinking person, we get an image of somebody who is teaching in a college or school. Whereas this is a working person, which I believe is the concept given in the Vedanta. अगर शास्त्री जी उसके ऊपर कुछ विवेचन करे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और ये जो भेद आपने किया है, ये जो पॉइंट आउट किया है अनुवाद ने, ये वाकई ये सही बात है, और आई फुली एग्री विद यू। थैंक यू सो मच, ये बहुत बढ़िया मेरे ध्यान में आप बात लाए, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखूंगा। थैंक यू जी, आपका रिस्पॉन्स। इसके बाद एक प्रश्न और ले लेंगे, डॉक्टर गौरव शर्मा का, आसाम से हैं। ये देखिए, पश्चिम में जो परंपरा रही उसका जो बातचीत का आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक ठीक रही, लेकिन वहाँ पर कुछ जो मिस्टिक सेंट्स जैसे रहे हैं, वो मिस्टिक सेंट्स जो हैं, जो पोइट्स हैं वहाँ, कुछ एक ऐसे लोग बीच में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि ये थोड़ा सार्वभौम विषय है, विचार का जो विषय है, विचार जो है वो, जब मैंने श्रद्धा की बात कही तो वो बुद्धि और हृदय का एक अनुमिति है। हम लोग बुद्धि को हृदय से अलग करके नहीं देखना चाहते हैं,
क्योंकि जब तक हृदय का उसमें सन्निवेश नहीं होगा, और वहां पर यह है कि विज्ञान का, क्योंकि वहां पर भौतिक सुख जो था वहां उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षा थी, क्योंकि वहां की प्रकृति ऐसी कठोर थी। तो इवन ग्रीक फिलोसफी में भी जब आप जाएंगे तो ग्रीक फिलोसफर जो है वो मोस्टली विज्ञान की ओर अग्रसर ज्यादा हो गया। वहां पर चाहे वो अरिस्टोटल था तो उसने अपनी अकेडमी चला ली और सब तरह की ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, लेकिन विचार तो वो, लेकिन मैटर के विषय में धारा में उस तरफ में वो उनका प्रभाव उधर को चला गया। लेकिन हमारी जो मूल समस्या, हम कहते हैं कि बाहर का हम कितने ही विज्ञानम शिल्प शास्त्र हो, शिल्प और शास्त्र हम कितने ही पढ़ जाएं, लेकिन जब तक स्वानुभूति एक माना है, स्वानुभूति जब तक नहीं आती है तब तक तुम चंद्रमा पे चढ़ जाओ अपने लेकर के, तुम अपनी रिसर्च से नासा बना लो, तुम अपना विज्ञान से ये कर लो वो कर लो, ये तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। तुम ना खुद चैन से रहोगे ना दूसरों को चैन से रहने दोगे। इसलिए वहां पर वो कहते हैं कि स्वात्म संबित जो है, बिना उसके मनुष्य जो है वो मनुष्य ही नहीं रहेगा। तो फिर मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर उसकी स्थिति वो कैसे रहेगी, वो विक्षिप्त रहेगी। क्योंकि ये जो विज्ञान है ये अहम मूलक है, बुद्धि जो है अहम के पीछे दौड़ रही है, अहम के अनुकूल बनाने का वो प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जहां पर अहंता जो है वो उसके बोध के पीछे चल पड़ी है, वो मुझे समझना है, पहले मैं खुद को तो समझ लूं, बाहर भी समझना है मुझे, विज्ञानों का मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले खुद को भी तो समझना है। वो वहां पर वो स्वयं को समझने का जो एम्फेसिस है वो गौण हो गया। इसलिए वहां पर द्वैतवाद तो पैदा हो गया रिलीजियसली, अद्वैत वहां नहीं पैदा हुआ, लेकिन अद्वैत की बात वहां पर कहीं कहीं पर आपको देखेंगे तो जो ये सेंट्स हैं, कुछ पोइट्स हैं या मिस्टिक जो हैं कुछ कुछ, उनमें आपको मिलेगा कि विचार की परंपरा, उनमें वो धारा प्रवाहित कहीं कहीं पर आपको होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जो 90% जो वहाँ का जो परिवेश है, जहाँ पर जरूरत ये थी कि हर जात बहुत बर्फ एक्सट्रीम प्रकृति है, यहाँ की प्रकृति तो वो कहता है अकृष्ट पच्या पृथ्वी सिद्ध्यन्त्यन्यानि चिन्तया सर्व काम दुखा गावः पुटके पुटके मधु। यहाँ पर जो ज्ञान पैदा हुआ वो क्या था, कहते हैं महाभारत में से, अकृष्ट पच्या पृथ्वी, उस जमाने में कहता है सतयुग में हल भी नहीं चलाना पड़ता था, अपने आप ही कृषि होती थी, अपने आप ही जंगल में अन्न पैदा हो जाते, अष्टो मुन्यान्नानि, आठ प्रकार के मुनियों के अन्न हैं उनको जंगल में से वैसे मिल जाते थे बिना ही उसके हल चलाए। अकृष्ट पच्या पृथ्वी सिद्ध्यन्त्यन्यानि चिन्तया, सोचना पड़ता था कि भूख खाएं कुछ की ना खाएं, अन्न जो है इतना भरपूर, वृक्ष संपदा फल संपदा, अन्नानि सिद्ध्यन्ति चिन्तया एव सिद्ध्यन्ति सर्व काम दुखा गावः। और फिर गौएं जो थी समस्त कामनाओं का दोहन करने वाली थी, पुटके पुटके मधु, जीवन के हर पत्ते पत्ते पर जगह जगह मधु, मधु ही मधु चारों तरफ। इसलिए ऋग्वेद के जो मंत्र हैं जो प्रयोग करते हैं हम लोग कि मधु देवस्वने पिता मधुगा, वो आप इन मंत्रों को कभी इस संदर्भ में देखें, जब मंत्र वो करते हैं पय पृथिव्याम पय ओषधीषु, ये पैस जो है दूध की धाराएं बह रही हैं, मधु की धाराएं बह रही हैं। हमारे इस परिवेश में हमारा चिंतन उस प्रकार का भीतर की ओर जाने की तरफ ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन विज्ञान की उपेक्षा नहीं हुई। मानव कल्याण जो है लोक कर्तव्य मात्रम, लोक कर्तव्य के लिए विज्ञान चाहिए, लेकिन ये विनाश करने के लिए कि मैं अपने प्रभाव के अंदर किसी को लाने के लिए, वहां पर हेड जो है हावी हो जाता है, हार्ट पीछे चला जाता है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक मौलिक अंतर वहाँ से रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इसका वो लोग बीच में से उठ करके यहाँ आ जाते हैं कि नहीं वहाँ से तो बात नहीं बनी, मैं यहाँ पर भारत में इसलिए आया हूँ, मैं हिमालय के ऊपर इसलिए आया हूँ कि मुझे वहाँ पर लगा कि नहीं नहीं
ये तो सब विध्वंस हो रहा है, ये सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद, ये जो दोनों शब्द आपने प्रयोग किए हैं, सेरिब्रल और फिजिकल वाला, ये दोनों आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये बहुत अच्छे शब्द रहे हैं। बाकी मौलिक चिंतन वाले, मौलिक विचार वाली जो बात है उस पे तो मुझे भी संदेह है, क्योंकि जितना डाटा हमने इकट्ठा किया होगा जीवन भर, उसी को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना करके रिप्रोड्यूस करते रहे। जी जी, उसमें कामायनी के अंदर ये इनके जो उदय जी की बात ही है, उसको वो जो ईड़ा को वहां चित्रित किया है कामायनी में जी, तो उसका चित्रण किया गया, सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय। सिर चढ़ी रही, तुम तो, ये ईड़ा कौन है? बुद्धि। वो बुद्धि जो है वो कहती है, श्रद्धा से कह रही, श्रद्धा उसको कह रही है कि तू जो विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति है, उसको वो कह रही है, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, तू विकल कर रही है, इसीलिए तू बेचैन होकर के ये नाना रूप धारण कर रही है, अनेक रूप बना रही है, इस तरह से व्याकुलता के। तो ऐसा उसमें चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं आखिरी, और उसके बाद डॉक्टर सी के झा जी जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। राजेंद्र महर्षि जी सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गौरव शर्मा। असम से नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अभी रमाकांत अंग्रेज, डॉक्टर रमाकांत अंग्रेज जी ने भी बताया कि आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी का युग है, बच्चे जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा देखते हैं बजाय कि भीतर देखने की अपनी समस्याओं का हल करने के लिए। तो हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं शिक्षण से जुड़े हुए हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे मन जो है वो बड़ा ही अनियंत्रित विचार चलते रहते हैं उसके अंदर बहुत सी ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं जो कि हमें पता है कि हमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे फिर भी हमारे मन के अंदर हमारे बहुत से विचार हमें चलते हैं, लेकिन हम उनको नियंत्रित नहीं कर पाते। अभी पीछे ये एक न्यूज़पेपर में भी खबर छपी थी कि एक छोटी सी बच्ची ने ये कहा कि मेरे विचार जो है वो मेरे बस में नहीं है, मेरा दिमाग जो है मेरे बस में नहीं है, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, और वो अपना सुसाइड कर लेती है। तो आज के जो युग है जिसमें बच्चे जो हैं वो केवल बाहर की तरफ ही देखते हैं और उनके विचार भी अनियंत्रित हैं और असंतोषपूर्ण हैं, तो उनको कैसे सरल ढंग से हम सही विचार की तरफ मोड़ सकें, इसके लिए कुछ बताएं हमें। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न। उसमें ये है कि एक मौलिक रूप से जिसे हम कहते हैं ना कि मौलिक, वो होता है जो अपने मूल से जुड़कर के अग्रसर होता है। हमारी सारी शिक्षा नीति मूल से जुड़कर अग्रसर नहीं हो रही है इस समय। हमारी सारी शिक्षा नीति जो है ये 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे पश्चिम में ये सब आ गया था, और पश्चिम में भी जो रोमांटिक पोइट्स थे वो रो रहे थे इस बात को लेकर के कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और ये सारा जो युग आया है इसके अंदर खुद ही तो विष बेच रहे हैं, सारी दुनिया को बारूद बेच रहा है अमेरिका, घर घर में बारूद भेज रहा है अमेरिका, अब उसका सारी इकोनॉमिकल, और फिर वो कहता है बच्चों को सिखा के रहा है फ्रीडम, कि तुम्हारी इंडिविजुअल फ्रीडम। हम पूछते हैं बच्चा फ्रीडम किस चीज की? खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, सबके लिए, तो तुम हमारे पर निर्भर कर रहे हो, हम तुम्हारे पर निर्भर कर रहे हैं, तो फ्रीडम के कौन सा कॉन्सेप्ट तुम लेकर के चले हो? तो वो एक जिद्दीपन जो है वो मौलिक, क्योंकि छिन्नमूल शिक्षा नीति हो गई। हम इस समय मूल से उच्छिन्न हैं, मूल से जुड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, कि प्रयास इस ढंग से होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से, युक्ति से, तरीके से, कि उनको अपने मूल की तरफ, मूल से जोड़ने का थोड़ा प्रयत्न होना चाहिए उसमें। लेकिन कठिनाई बहुत है, क्योंकि बाहर का प्रलोभन जो है वो उन बच्चों को, बच्चे विवश हैं, और ये दो वर्ष जो आपके विशेष रूप से रहे कोरोना के, इनमें तो वो स्कूल बंद हो गया और बिल्कुल ही टोटली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए।
अच्छा, और घर का जो एटमॉस्फेयर है, हम लोगों ने अपने घरों से श्रद्धा प्रेम विचारणा ये सारी बातें घर से सीखी, स्कूल से नहीं सीखी, लेकिन हमारे घर से ही वो सारी चीजें निकल गई और बच्चे भी कहाँ जाए जी। ये एक पूर्ण जो उसका परिवर्तन जो है उसके लिए वो उसको हमें एक प्रकार से उस शिक्षा नीति का एक मौलिक रूप से परिवर्तन हो तो उसका समाधान हो। और कोई ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो आप एक आधुका केसेस को डील कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक परिवर्तन जो है, क्योंकि इस समय सारी जो यंग जनरेशन है वो इसी तरह की उपनिषदों ने जिसे ये कहा था ना ये के चात्महन हो जाना, ये आत्महंता जनरेशन ना पैदा हो जाए कहीं आगे, जो स्वयं को ये मोक्ष का पर्यायवाची समझने लगे कि मोक्ष के मैंने सुसाइड कर लो मोक्ष का मतलब है कि सुसाइड कर लो, वहां करते हैं लोग गोलियां खा के लोड सो जाते हैं कि ठीक है मेरे से नहीं खेला जा रहा था तो मैंने क्या किया सर, मैंने कहा हाँ, कहने लगे नहीं वो पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने उसकी 20 गोलियां खा लिया और उसमें छुट्टी हो गई। तो मैंने कहा फिर उससे मुक्ति मिल जाएगी क्या, क्या वो उसी को मुक्ति यहाँ कि हाँ और क्या दर्द से मुक्ति मुक्ति है और क्या ठीक ठीक है। तो एक और टिप्पणी या प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र महर्षि जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद, सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। और मैं तो अंगिरा जी को हमेशा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जब पधारते थे तब सुनता था, हमेशा ही उनको सुनना बड़ा ज्ञान में वर्धन ही होता है। सबसे जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा, जो इन्होंने ओम शांति 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 को जो रेखांकित किया उसकी उपयोगिता को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और उस पर अगर ध्यान दिया जाए और हमें तो सीखना चाहिए, सभी उसी से मतलब जो संसार में आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है और ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इससे पूर्व कि मैं और किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासा हो, डॉक्टर गौरव जी आप ये वैसे जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा रेलेवेंट और इसका जो वैसे संबंध है इसमें जो आप चर्चा कर सकते हैं आगे डॉक्टर आनंद गुरहिये जी के साथ कर सकते हैं, उनका क्षेत्र साइकेट्री का है और वो डील भी करते हैं, तो मैं आपके साथ उनका नंबर जरूर शेयर करूंगा और उन डॉक्टर साहब से मैं निवेदन भी करूंगा कि एक लेक्चर जो है वो साइकेट्री के एंगल से जो है विचार के ऊपर वो भी जरूर हमारे साथ शेयर करें। आनंद जी से मेरा निवेदन रहेगा, महाराष्ट्र से है तो आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न का एक जो साइंटिफिक उत्तर है जो साइकेट्री में वो ले सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सी के झा जी जो कि अध्यक्ष हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एमपीएम कॉलेज मुलाना से। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत करें और अपनी बात भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो साथ ही साथ कहें। डॉक्टर सी के झा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम मैं आज की जो टॉपिक है, आज की जो विषय वस्तु है उसके बारे में बहुत ही जैसे ही देखने में लगता है कि बहुत ही सहज है सरल है, उतनी ही गहन गूढ़ हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विचारों की अनिवार्यता, विचार हमारे अंदर जो मन बुद्धि अहंकार के बल पर हम जो कुछ भी प्रकट करते हैं बोलते हैं तो वो किस रूप में बोला जाए, विचारों की प्रस्तुति किस प्रकार की हो, पाश्चात्य दृष्टि क्या है और भारतीय दृष्टि क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर आज सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये जो विषय वस्तु रखा ये अपने आप में अद्वितीय है और उसमें के ऊपर सर के द्वारा आदरणीय गुरु जी के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सोचने के लिए विवश करता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो इन चीजों को पर ध्यान ही नहीं आता कि ये सब्जेक्ट क्या है, हम इस पर भी कोई सोचने की जरूरत है, लेकिन सर ने तो वो सारी दृष्टि सब कुछ जो है ना बिल्कुल सामने रख दी कि हम कैसे उन बातों को
अपने अंदर आत्मसात करें और विचारों की जो सूक्ष्मता है उसको हम किस प्रकार से अपने आप को उसमें ढालें। तो ये व्याख्यान वास्तव में बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय रहा, इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरुवर्य डॉक्टर रमाकांत आंग्रेस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस तरह की गूढ़ विषय के ऊपर आपने बहुत ही सहज सुंदर ढंग से दोनों ही दृष्टि से, भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि, तो दोनों ही दृष्टिकोण को आपने हम सबके बीच में रखा, इसलिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो टिप्पणी कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका भी टिप्पणी और उनके द्वारा जो पूछा गया जो वो जो जिज्ञासा था वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो भी बहुत ही विद्वान माननीय हैं और उनके द्वारा जो इस प्रकार की टिप्पणी गई तो की गई, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आनंद जी ने भी जो प्रश्न उठाया है, आनंद जी की जो जिज्ञासा है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद ये राजेंद्र महर्षि जी ने भी जो कुछ सवाल किया है, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है ये भी निश्चित रूप से इस सेमिनार की गरिमा को बढ़ाने वाली है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ इस विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले जैसे अमित जी हैं, अंजलि जी हैं, गौरव जी हैं, लवलीन जी हैं और समस्त श्रोतागण को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय तो संस्कृत, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सी के झा जी। तो आज की ये परिचर्चा यहीं पे समाप्त करने से पूर्व एक प्रश्न फिर उभर आया है, वो ये था कि विचार का देवता हम किसे कहेंगे, क्योंकि हम भारतीयों में विचार देवता जो है वो हर 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से विचार का देवता किसे घोषित करेंगे? विद्या का देवता है, ज्ञान का देवता है और सभी हैं, क्या शिव को या दुर्गा को या सरस्वती स्वादुतदस्तु? हाँ जी जी, तो चलिए ये भी समस्या का जिज्ञासा का समाधान हो गया कि सरस्वती ही विचार की देवी है। तो इस सारे विषय को हम पुनः अग्रसर करेंगे अगले कुछ भागों में, और उसमें डॉक्टर आनंद जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो साइकेट्री के पक्ष से और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी से भी कि भी वो दर्शन के विशेष पक्षों से, विशेष रूप से बुद्धिज्म, जैनिज्म और नव्य न्याय की दृष्टि से इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे संभव होगा वैसे वैसे हम इन विषयों को अग्रसर करेंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सी के झा जी का, मैडम विनय सिंगल जी का, लवलीन ग्रोवर जी का और मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए मित्र हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो निश्चित रूप से आज की इस चर्चा ने हमारे आधार भूमि, पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि हम इस विषय में और अग्रसर हो पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका आभार। मैडम मीनाक्षी जी का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इसका फॉर्म जो है सर्टिफिकेट का वो आप लोग भर सकते हैं, वो ही बनाती हैं और वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस वेबिनार की है। तो जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, मैडम ने शेयर कर दिया हुआ है चैट बॉक्स में और आप लोग तो मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, हेलो जी जी राजेंद्र, नमस्कार डॉक्टर। मैं ये निवेदन कर रहा था कि देवता सूर्य को भी मान सकते हैं। हाँ ये बात ठीक, सूर्य को ज्ञान का देवता मान सकते हैं। क्या क्या कहते हैं, सूर्य को ज्ञान का देवता माना जा सकता है? नहीं, ज्ञान का देव, अबे राजेंद्र जी। हाँ जी। अब ज्ञान, ज्ञान तो है ना, वो तो है आपका एनलाइटनमेंट। जो विचार है, विचार जो है वो प्रवाहमान है,
वो अग्रसर हो, विचार से ज्ञान प्राप्त है, जानना जो है वो है एक अनुभव, तो अनुभव जो है वो विचार से वहां आपको पहुंचना है, तो उसमें सूर्य का देवता, ज्ञान का देवता तो वैसे मान ले हैं, पर इसमें थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि मेरे ध्यान जब आता है तो ज्ञान जो है वो हमारा एक प्रकार से बौद्धिक ज्ञान तो वो है नहीं है, वो साक्षात्कारात्मक स्वप्रकाश बोध है, वो एक तरह की परिपूर्णता है, वो परिपूर्णता को और जाने के लिए जो चैनल है विचार जो है वो चैनल है, इसलिए वो अग्रसर करने वाली जो स्थिति है उस दृष्टि से मेरे मन में आता है कि विचार में वैसे भी वो गत्यर्थकता है, अग्रसरता उसके अंदर है कि वो एक स्टेप से प्रथम सोपान से द्वितीय सोपान पर उसमें योग वशिष्ठ के अंदर 7 सोपान बना दिए उन्होंने, लेकिन वहां पर वो ज्ञान और विचार में भेद नहीं किया जाता है नॉर्मली वैसे तो। जी ठीक है, कई और नए प्रश्न हमें मिल गए हैं अगले वक्तव्य की भूमिका के रूप में, निश्चित रूप से उनको हम लेंगे, तो धन्यवाद है आप सभी का। जो लोग अभी जुड़े हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, मैडम मीनाक्षी एक बार फॉर्म दोबारा शेयर कर दीजिए। जी सर। जी तो प्लीज वो लोग। जी जी